केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिलों के विरोध में जिला कांगड़ा में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। जिला भर के कांग्रेस नेताओं ने किसान सम्मान रैली में उपस्थिति दर्ज करवाई। शाहपुर आईटीआई के समीप से शुरू हुई किसान रैली एसडीएम कार्यालय में जाकर समाप्त हुई। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार लाए गए 3 किसान बिलों को वापस नहीं लिया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जो बिल केंद्र सरकार लेकर आई है वो किसानों के नहीं है बल्कि पूंजीपतियों के हित में है। इन बिलों से किसानों का शोषण होगा जो कि कांग्रेस नहीं होने देगी। लगातार विरोध प्रदर्शन करके केंद्र पर इन बिलों को वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा। काम स्तर पर किसानों व आम जनता को इन बिलों की खामियों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि किसान बिल के विरोध में जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब व हरियाणा में विरोध कर रहे हैं उसी तरह हिमाचल कांग्रेस भी प्रदेश में विरोध कर रही है। प्रदेश की 70% आबादी गांवों में रहती है। शाहपुर में इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया है और 10 अक्टूबर को मंडी में विशाल किसान मिलन का आयोजन करने जा रहे हैं। हम किसान बिल का विरोध करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसान हित में इन बिलों को वापस लिया जाए। ये बिल किसानों के नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हक में हैं। देखिए, प्रजातंत्र में जो विपक्षी दल है उसका दायित्व तो होता है कि सरकार की जो जनविरोधी नीति हो उसका विरोध करे। हम विपक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये काला कानून जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लाया इस देश में, आज पूरे देश में आक्रोश है। आप देख रहे होंगे कि किसानों के जो संगठन है वो सड़कों पे उतर आए हैं और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी दल होने के नाते किसानों के साथ खड़ी है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा में जाके किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में हमने ये कवायद शुरू की है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो 70% आबादी है वो गांव में रहती है। अभी पिछले 2 दिनों से हमने नाहन पौंटा और कल बिलासपुर, आज हमने यहां प्रदर्शन किया, शाहपुर में प्रदर्शन किया। 10 तारीख को हम मंडी में एक बहुत बड़ी किसानों का हम सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। हम इस बिल का, इस कानून का विरोध करते हैं और इस सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों के हित में इस बिल को, इस कानून को वापस ले, क्योंकि ये जो कानून है ये पूंजीपतियों के हक का कानून है। आने वाले समय में इसका जो है बहुत दूरगामी परिणाम होगा और किसानों का बहुत बड़ा शोषण होने वाला है जो हम होने नहीं देंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा कांग्रेस पार्टी जो है इस कानून को वापस लेने के लिए विरोध दर्ज करती रहेगी। जो किसान पढ़े लिखे हैं, किसान समझते हैं, किसान खुद इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी दबाव था, कांग्रेस पार्टी पे दबाव था कि हम विरोध दर्ज करें। आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है ये भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि जब हम प्रदर्शन करेंगे तभी तो जागरूकता फैलेगी और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, वो गांव-गांव में जाके किसानों को जागृत करेंगे और एक जनमत जो है इस सरकार के फैसले के खिलाफ जो है तैयार करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर पार्टी के उत्साही जो कार्यकर्ता है, अब जिस नेता के साथ होते हैं उस नेता का नारा लगाते हैं, वो नेता किसके हैं? वो भी तो हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। AICC के सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि कृषि को हमारे प्रदेश के लोग अपना धर्म मानते हैं, चाहे किसी के पास जमीन थोड़ी हो या ज्यादा, हर कोई कुछ ना कुछ खेतीबाड़ी सभी करते हैं। ये मुद्दा हर परिवार से जुड़ा है। केंद्र सरकार को 3 बिल लेकर आई है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। जिला के समस्त नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अन्य जिलों में भी इस तरह से आयोजन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बारे में लोगों को गांव-गांव में जाकर जागरूक करेगी। जिन्होंने चुनाव लड़े हैं वो आम व्यक्ति का दर्द समझते हैं, इसीलिए इन किसान बिलों का विरोध किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से यहाँ और वक्ताओं ने भी आपको बताया कि प्रदेश में कम जो 70% आबादी है वो ग्रामीण है और लोग जो हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं। कृषि को हमारे प्रदेश के लोग धर्म अपना मानते हैं, चाहे किसी के पास थोड़ी ज़मीन है, बड़ी ज़मीन है, लेकिन अपनी कुछ ना कुछ खेती वो करता है। इसलिए हर परिवार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और जो 3 विधेयक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लेकर के आई है उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन था और उसी प्रदर्शन का हिस्सा आज कांग्रेस की कांगड़ा के सारे लोग निकल करके आए हैं। उन्होंने विरोध दर्ज किया है। इसी प्रकार से और जिलों में भी
पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद चुनाव क्षेत्रों में जो है वो प्रदर्शन होगा और इसको पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक लेके जाएगी जागरूकता अभियान के रूप में कांग्रेस पार्टी। देखिए, त्रिलोक कपूर जी का एक और बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जब भेड़ पालक भेड़ बकरियां लेकर के जाते हैं तो मंडी के लोग उनको चुरा लेते हैं। तो मंडी से तो उनके मुख्यमंत्री हैं, सबसे दूसरे कद के जो नेता हैं प्रदेश की उनकी पार्टी के सरकार के अंदर, वो भी मंडी के हैं, तो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? कौन भेड़ बकरियाँ चुरा के ले जा रहा है उनकी? वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा या जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखता है, जिसने चुनाव लड़े हैं, चाहे पंचायत स्तर के, चाहे विधानसभा स्तर के, या हमारे पूर्व सांसद रहे हैं जैसे चौधरी चंद्र कुमार जी, तो ये लोग समझते हैं कि क्या आम व्यक्ति का दर्द है, और उस दर्द को समझते हुए आज सब लोग इधर आए हैं।